हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 235 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है आज। अगर देखो तो एक मॉर्निंग में एक थोड़ी सी तेजी जरूर आई थी, 240 पे जाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद एक शार्प फॉल अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। एक शार्प फॉल है ये, और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 235 रुपये का शेयर है इरडा का। एक महीने में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1.5% का डिक्लाइन है। इस बीच एक बड़ी तेज़ी आई थी, शानदार तेज़ी थी, 260 पे गया था ये, बाद में एक मेजर फॉल हमें देखने को मिला और अभी भी वो फॉल रुका नहीं है। और कंपनी को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई है, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन अगर आप एक साल में देखो तो पैसा तो खूब बना कर दिया है इसने। हालांकि इसको अभी एक साल भी नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन 300% का रिटर्न इसने बना कर दे दिया है। और देखो एक बड़ी तेज़ी आई, गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, बहुत बड़ी तेज़ी आई, पैसा डबल किया, फिर एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था, 209 से ये गया था 125 पे, फिर तेज़ी आई थी यहाँ पर, और अभी 300 पे जाने के बाद 290 रुपये का है। लेकिन एक्चुअली में इंट्राडे में 300 रुपये से भी ऊपर गया था ये, तो वहाँ से अब 234 पर आया है। और अभी यहाँ पर और गिरावट गहरा सकती है ये, उसका रीज़न भी है, मैं आगे शेयर करूँगा। तो देखो यहाँ पर गिरावट जब भी आई है ना तो वो 10-12% से रुकी नहीं है, वो ज़्यादा की ही गिरावट आई है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर 18-20% की गिरावट हम देख चुके हैं इरडा में, और आगे शायद और 10-12% का डिक्लाइन पॉसिबल हो सकता है। अगेन ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। उसका रीज़न मैं यहाँ पर यह है कि कंपनी पैसा रेज कर रही है। यहाँ पर देखोगे तो इरडा सीक गवर्नमेंट नोट टू सेल अप टू 10% स्टेक टू रेज 4500 करोड़ टू फंड ग्रोथ। कंपनी जो है वो पैसा रेज कर रही है, 10% तक का अपना स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रही, और इसके लिए गवर्नमेंट से इन्होंने अप्रूवल भी मांगा है। 4500 करोड़ रुपए उसके जरिए रेज करने का इनका प्लान है, ठीक है। हालांकि ये 2-3 दिन पुरानी खबर है कि 4500 करोड़ रुपए, लेकिन लेटेस्ट खबर जो निकल कर आई है वो और बड़े अमाउंट की है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है वो ये है कि इरडा का जो प्लान है वो तकरीबन 29,500 करोड़ रुपये रेज करने का है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में। अब यहाँ पर वो कैसे होगा, तो 25,000 करोड़ रुपए जो है वो डेट मार्केट से रेज करे जाएंगे, कर्जा लिया जाएगा, ठीक है, डेट मार्केट से। जबकि 4,500 करोड़ जो होगा वो जो नॉर्मल जो हमने आगे बात करी वो भैया इक्विटी के थ्रू होगा। पर आपको समझना होगा कि जब भी कोई कंपनी इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करती है, मतलब शेयर बेच के पैसा रेज करती है, तो जिस प्राइस पे उसका शेयर ट्रेड कर रहा होता है हमेशा उसके डिस्काउंटेड प्राइस पर ही वो पैसा रेज करेंगे, 10-12% डिस्काउंटेड प्राइस पर। और ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है मार्केट उस प्राइस पे जाता है, शेयर उस प्राइस पे जाने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर पैसा रेज नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर हाथ नहीं डालना चाहिए, कि जिस टाइम पर ये चाहे QIP का ऑप्शन चूज़ करे या फिर भैया FPO का ऑप्शन चूज़ करे, जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे ये याद रखिएगा एक गिरावट आएगी तब, क्योंकि जिस प्राइस पे, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना तो मुझे लगता है कि शायद FPO ही आ सकता है, QIP का तो मुझे नहीं लगता है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है। रीज़न ये है कि अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक इंस्टीट्यूशन तो लगातार बेच ही रहे थे, यहाँ पर लगातार बेच रहे थे, ठीक है। जब वो 100 रुपये का था तब भी इंस्टीट्यूशन बेच रहे थे, जब वो 70 का था तब भी इंस्टीट्यूशन बेच रहे थे, जब वो 150 का था तब भी बेच रहे थे। तो अब इंस्टीट्यूशन 235 पे खरीदारी करने आएंगे कि नहीं, वो थोड़ा सा डाउट ज़रूर है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज़रूर आ सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट विल टेक फाइनल कॉल यहाँ पर, जो भी पैसा रेज करने को लेकर, मतलब 10% डाइल्यूट करने को लेकर है, उसको लेकर जो सरकार है वो ही आखिरी फैसला यहाँ पर लेंगे कि पैसा रेज करना है कि नहीं, क्या करना है। अभी देखो इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, लोन बुक अच्छी है, ठीक है, सॉरी लोन बुक इनकी काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं, कंपनी अच्छी है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिक्कत है वैल्यूएशन की, दिक्कत है यहाँ पर वैल्यूएशन की, क्योंकि काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जहाँ तक इसका वॉल्यूम्स देखे आज तो 35 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। ऑल टाइम हाई 310 रुपये का था इंट्राडे का हाई जो बनाया था इसने, 50 रुपये का लो है, ये वही प्राइस है जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था। IPO काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला था, 32 रुपये का IPO प्राइस था इसका, 50 रुपये पर ओपन हुआ था, एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर ये क्लोज हुआ था। उसके बाद लगातार तेज़ी दिखाई थी इसने और मार्केट का बिजनेस 63,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, 63,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है।
कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर कतई नहीं है। रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि शायद जब ये बिकवाली करेंगे तो उसके चलते ही सही एक फॉल, एक डिक्लाइन पॉसिबल हो सकता है। हालांकि अगेन, जो पैसा रेस करेंगे वो अच्छी बात है, मतलब जिससे लगातार ये बहुत बड़े ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लगातार अपनी जो लोन बुक है उसको बहुत तेज़ी से ये लोग बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करें, देखो अभी भी इन्होंने डिविडेंड पे नहीं करा है। जनरली सरकारी कंपनियां डिविडेंड पे करती, अच्छा खासा पे करती, हालांकि एक साल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इसको लिस्ट हुए एटलीस्ट 10 महीने हो चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो मुझे यही है कि महंगा बहुत है। 48 का इसका पी है, सेक्टर पी 18 का है। लेकिन अगेन, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आती है, लेकिन इस प्राइस पे एंट्री करना बहुत रिस्की है। वो तब खरीदारी करने का मौका बन सकता है जब इसका प्राइस सस्ता हो, ठीक है, जब वैल्यूएशन सही हो। यहाँ पर 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो डेफिनेटली इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे। 1,510 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और 380 से 85 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है ये। लेकिन जितना शेयर बढ़ चुका है उतने इनके प्रॉफिट्स या फिर रेवेन्यू नहीं बढ़े हैं, ठीक है, वो भी याद रखिएगा यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, एक भी शेयर गिरी नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करना मुश्किल हो सकता है, रीज़न ये है कि वो तो बेच ही रहे थे ना 3.94% से, भैया बेच बेच कर वो तो यहाँ पर 0.24% पर आ गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 4.59 से बेच बेच कर वो भी यहाँ पर 0.18% पर आ गए। तो आप ये सोचो कि नवंबर में जब 50 रुपये का शेयर था, 3.94% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की थी, दिसंबर में वो और बेच दिए, ठीक है, 2.87, और इंस्टीट्यूशन तो 4.59 से वो बेच कर आ गए थे 1.5% की होल्डिंग पर, जब शेयर 50 से 100 रुपये की रेंज में था इस टाइम के दौरान ये लोग बेच रहे थे, ठीक है। तो अब जब डबल हो चुका है, 2.5 गुना हो चुका है, तब खरीदारी करेंगे कि नहीं। यहाँ पर FIL ने देखो तो पहले बिकवाली करी लगातार 3.95% से बेच बेच कर 1.36 पर आए, लेकिन जून में खरीदारी करी 2.70% पर, वो भी आ गए। रिटेल यहाँ पर लगातार खरीद रहा है, लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो रिटेल और अदर नहीं खरीदा है, 12.52% से वही खरीद खरीद के यहाँ पर 21.88 पर आ गए। सब ने बेचा, सारे इंस्टीट्यूशंस ने बेचा, रिटेल और अदर्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है, जम के खरीदारी करी हुई है यहाँ पर, जिनमें से कुछ का फ़ायदा भी हुआ होगा और जिन लोगों ने 300 रुपये के आसपास खरीदारी करी है वो भैया नुकसान में भी बैठे होंगे यहाँ पर। देखिए ओवरऑल अगर इरडा को लेकर मैं बात करूँ, देखो कंपनी जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है। जो भी कंपनी इस सेक्टर में काम करती है उसको लोन देने का काम मतलब ये कंपनी करती है, और बहुत सारे लोग इस सेक्टर में आ रहे हैं जिसके ज़रिए इनका लोन ऑर्डर बुक जो वो बढ़ रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी की कोई मोनोपोली है यहाँ पर, नहीं, यही काम और भी कंपनियाँ कर रही है, ठीक है, कोई इनकी मोनोपोली नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि ये जो लोन देते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, नहीं, कुछ कुछ लोन डिफ़ॉल्ट भी करते हैं, ठीक है, और ये एक प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पर। बहुत तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है, अब आने वाले क्वार्टर इनके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही RBI ने ये बोला था कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसको आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, उसको आपको वो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं इनका जो मार्जिन होगा वो घटता हुआ नजर आएगा, और शायद उसके चलते आपको यहाँ पर इनके आने वाले क्वार्टरली नंबर जो है वो इंटरेस्टिंग होंगे कि वो कैसे मतलब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली इनके जो मार्जिन फ्रंट है वहाँ पर। ओवरऑल इतना ही कहूँगा कि देखो अभी पैसा रेज कर रही है कंपनी, और मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, देखिए कि किस प्राइस पे रेज हो रहा है यहाँ पर, जल्दबाजी मत करना, यही मेरा कहना है, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।